हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। तो चलिए शुरू करेंगे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी चटपटी खबरों को। इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन बिजनेसमैन ललित मोदी के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में चल रही हैं। दरअसल जैसे ही दोनों के अफेयर की खबरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आई, उसके बाद ये दोनों इंटरनेट की सुर्खियों में छा गए। वहीं यूजर्स दोनों को ट्रोल करने लगे हैं और एक्टर्स को लालची बता रहे हैं और लिखने लगे हैं कि सुष्मिता पैसों के लिए ललित मोदी के साथ रिलेशन में है। इन सबके बाद सुष्मिता सेन ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करके ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। एक्ट्रेस ने खुद को गोल्ड डिगर कहने वालों के लिए लिखा, मुझे लालची और गोल्ड डिगर कहकर ट्रोल किया जा रहा है, हालांकि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और जो लोग ऐसा कह रहे हैं इससे उनकी छोटी सोच साफ जाहिर होती है। वहीं लोगों के अलावा मुझे कई अच्छे लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। सुष्मिता सेन ने जैसे ये पोस्ट शेयर किया, उसके बाद इस पर आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड सितारों के भी रिएक्शन आने शुरू हो गए। वहीं वो सुष्मिता के सपोर्ट में अपनी बातें लिखने लगे। एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी का भी रिएक्शन सामने आया और उन्होंने सुष्मिता के सपोर्ट में ताली बजाने और हाथ जोड़ने वाली इमोजी कमेंट किए हैं। उनके इस कमेंट से सुष्मिता के प्रति समर्थन और सम्मान साफ जाहिर होता है। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता में इन दिनों अक्षरा की लाइफ में नया चैप्टर जोड़ा गया है। आरोही को नीचा दिखाने के बाद से अक्षरा अब अपने करियर पर फोकस कर रही है। अब दोबारा सिंगिंग से जुड़ गई हैं और एक कंपटीशन में भाग ले रही हैं। अब शो के अगले एपिसोड में अक्षरा अभिमन्यु की लाइफ में नया ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल शो में अभिमन्यु के करियर पर रोक लगने वाली है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे डॉक्टर अभिमन्यु अक्षरा के सिंगिंग करियर को लेकर खुश हो जाता है। उसका ऑडिशन टेप वायरल होने पर वो परिवार के साथ सेलिब्रेट करता है। पूरा परिवार अक्षरा की सिंगिंग करियर की तारीफ करते हैं। इधर आरोही फिर से अक्षरा की तारीफ सुनकर पक जाती है, वो गुस्से में जली दिखाई देगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब नया ट्विस्ट आने वाला ये है कि अगले एपिसोड में अभिमन्यु हाथ दर्द से परेशान सर्जन से मिलेगा। सर्जन अभिमन्यु से उसके हाथ की नस डेड होने की बात कहेंगे। यहाँ सर्जन कहेगा कि अभिमन्यु अब सर्जरी नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर अभी बेहोश हो जाएगा। वहीं अक्षरा सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेने जा रही है तो वह अभी के लिए परेशान होती नजर आएगी। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हालांकि जल्द ही अब फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। गौरतलब है कि एक्टर की ये फिल्म 22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसके लिए 16 जुलाई से एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है, जिसे पहले दिन काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जी हाँ, कुछ खबरों की माने तो एडवांस बुकिंग से पहले दिन शमशेरा ने 0.97 करोड़ यानी कि 97 लाख रुपए की कमाई की है, जो हालिया रिलीज हुई कई बॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है। पहले दिन के एडवांस बुकिंग के आंकड़े को देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिलीज के पहले ही दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक दमदार शुरुआत कर सकती है। हाल ही में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 एडवांस बुकिंग से अच्छी कमाई करने के मामले में बॉलीवुड की इस साल की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। गौरतलब है कि कार्तिक इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में लगभग 6.60 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि अब लगता है कि रणवीर की शमशेरा रिकॉर्ड जल्द ही तोड़ देगी और भूल भुलैया 2 को पछाड़ देगी। टीवी के सुपरहिट शो अनुपमा दर्शकों के बीच नए नए ट्विस्ट से धमाल मचा रहा है। शो में अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना की जोड़ी को दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। अब इस कपल ने एक बच्ची को गोद लेकर परिवार पूरा कर लिया। इसी बीच शो में बच्ची को लेकर घमासान भी मचा हुआ है। अनुपमा के अगले एपिसोड में वनराज यानी कि सुधांशु पांडे अपनी पुरानी बीबी को 50 की उम्र में मां बनने पर ताने देने वाले नजर आएगा। शो में इन दिनों छोटी बच्चे के नए किरदार से जमकर हंगामा बरपा हुआ है। हम आपको अनुपमा के अगले एपिसोड की जानकारी दे रहे हैं। अब तक आपने देखा कि अनु छोटी अनु को लेकर शाह हाउस जाते हैं और वहां सब उस बच्ची की खुशी से मिलते हैं, लेकिन बाप वनराज और तोशु मुंह चढ़ाते हैं। हालांकि छोटी अनु काव्या और किंजल का दिल जीत लेती है। इसी बीच अनुपमा की कहानी में एक और नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। सपना चौधरी आज इंडस्ट्री में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सपना अपने देसी लटको झटको को लेकर फैंस के दिलों पर राज करती है। सपना चौधरी की पॉपुलैरिटी अब ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश भर में पहुंच चुकी है। उनके चाहने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच सपना चौधरी के नए गाने कामिनी का टीजर वीडियो रिलीज हुआ है। दरअसल सपना चौधरी बहुत बड़ी सोशल मीडिया लवर है। वहीं खुद सपना भी फैंस के बीच खुद को लेकर क्रेज बरकरार रखने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद सपना सोशल मीडिया के जरिए हमेशा उनके साथ जुड़ी रहती है। सपना जल्द ही फैंस के बीच एक और धमाकेदार हरियाणवी सॉन्ग लेकर आ रही है। सपना के इस लेटेस्ट हरियाणवी सॉन्ग का टाइटल है कामिनी। सपना चौधरी ने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर अपना एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के साथ ही सपना चौधरी ने अपने अपकमिंग सॉन्ग का धमाकेदार टीजर रिलीज किया।
चंद सेकंड के इस टीजर वीडियो में सपना किसी को इशारे के साथ कुछ समझाती नजर आ रही है, हालांकि वीडियो में उनकी आवाज को म्यूट किया गया है। तो ऐसे ही बॉलीवुड की और टीवी इंडस्ट्री की चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप और बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।